बच्चे और वयस्क गंदी फिल्मों की लत के शिकार हो रहे हैं। इस कारण समाज में अपराध तेजी से बढ़ता जा रहा है। वकील कमलेश वासवानी ने सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से दायर किए गए हलफनामे में ये बात कही है। कोर्ट को बताया कि देश में 3 करोड़ बच्चे और 7 करोड़ युवा गंदी फिल्म की लत के शिकार हैं। इस पर तुरंत फैसले की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के 3 साल पहले के आदेश के बावजूद अभी भी इंटरनेट पर गंदी फिल्म से संबंधित कंटेंट मौजूद है। कमलेश वासवानी ने कहा कि वेब सीरीज के जरिए सेक्सुअल और हिंसा का कंटेंट परोसा जा रहा है। हैदराबाद के रेप और मर्डर केस का भी हलफनामे में जिक्र किया गया है। वासवानी ने कहा कि पोर्न वीडियो देखने की लत शराब और ड्रग्स की तरह है। अभी इंटरनेट पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए करोड़ों की कमाई की जा रही है। वेब सीरीज के जरिए हिंसा परोसी जा रही है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। इस तरह के कारण देह व्यापार आदि को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले के आदेश पर अमल की ज़रूरत है। इस पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में आदेश पारित किया था। कमलेश वासवानी ने बताया कि 2013 में इस मामले में उन्होंने दाखिल अर्जी में कहा था कि इंटरनेट कानून के अभाव में इन वीडियो को बढ़ावा मिल रहा है। मार्केट में 20 लाख से ज़्यादा गंदे वीडियो है। बच्चे आसानी से कंटेंट देख सकते हैं, इस कारण उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।